पत्रकार मोंटू तोमर के साथ कवरेज के दौरान जिला अस्पताल में सिविल सर्जन डॉक्टर बीएल यादव ने की अभद्रता। कोतवाली में शिकायत जान समाने की धमकी। खबर सिटी कोतवाली से है, जहां कोतवाली में शिवपुरी के पत्रकार मोंटू तोमर ने शिकायती आवेदन देकर कार्यवाही की मांग की है। दरअसल पत्रकार मोंटू तोमर जिला अस्पताल में कवरेज करते पहुंचे थे, तभी उन्होंने देखा कि सिविल सर्जन डॉक्टर बीएल यादव द्वारा ऑफिस के बाहर डॉक्टर सुनील तोमर ने अभद्रता एवं गाली गलौज की। ऐसी बात को जानने की जब पत्रकारों ने कोशिश की तो सीएस पत्रकार पर ही भड़क गए। पत्रकार मोंटू तोमर ने बताया कि मैं 11 मार्च को समय लगभग 11 बजे मैं जिला अस्पताल में डेली रूटीन अनुसार कवरेज करने गया था, तो सिविल सर्जन ऑफिस के बाहर डॉक्टर सुनील सिंह तोमर को सिविल सर्जन डॉक्टर बीएल यादव द्वारा अभद्रता कर गाली गलौज किया जा रहा था एवं उनके स्टाफ के लोग आशीष चौहान, कपिल त्रिवेदी एवं 3-4 अन्य स्टाफ उनको मारपीट करने के लिए घेर कर खड़ा कर दिया। तो मैंने जाकर डॉक्टर सुनील तोमर से बात करनी चाहिए, इसी बात से नाराज होकर डॉक्टर बी एल यादव एवं उनके स्टाफ के लोग मुझसे भी गाली गलौज करने लगे। जब मैंने उनसे बोला मैं पत्रकार हूँ तो इस बात से नाराज होकर भड़कते हुए बोले, तू तो छोटा सा पत्रकार है, मैं सांसद का रिश्तेदार हूँ और मुख्यमंत्री भी मेरा है, तू अभी मुझे जानता नहीं। मैं श्योपुर में भी पत्रकारों को कमरे में बंद करके पीटा है, जिसके बाद सिविल सर्जन के खिलाफ कोतवाली में शिकायत आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। मोंटू तोमर ने बताया कि जाति को लेकर भी डॉक्टर सिविल सर्जन ने अपशब्द कहे। देखिए क्या कहा पत्रकार मोंटू तोमर ने। मोंटू प्रदीप तोमर नाम है मेरा और पत्रकारिता करता हूँ मैं। क्या घटनाक्रम हुआ था आपके साथ? कल 11:30 की टाइम पे मैं अस्पताल गया था, जो डेली मेरा रूटीन है खबरों का, तो कवरेज करने गया था। तो वहाँ सिविल सर्जन सुनील तोमर को कुछ गाली वाली दे रहे थे, तो मैंने देखा, मैंने कहा क्या विवाद हो रहा है, मैं देख लूँगा। देखा तो मैंने बीएल यादव की सिविल सर्जन है, एकदम मुझे गाली देने लगा स्टार्ट हुआ कि तुम कौन हो, माँ बहन की गालियाँ थी और कहने लगे तुम्हारी घुसेड़ देंगे पत्रकार था। तो मैंने शिवपुर में पत्रकारों को बंद करके मारा है। तो मैंने कहा श्रीमान मुझसे ऐसा आप क्यों कह रहे हैं, मैं तो बस देख रहा हूँ क्या मामला है। तो इतने में वो और ज़्यादा गाली गलौज करने लगे। एक आशीष चौहान करके वहाँ प्रबंधक है, उन्होंने मेरे हाथ पकड़ लिए। तो मैंने कहा आप मुझे क्यों पकड़ रहे हैं, मैं कोई बात ही नहीं कर रहा तो आप मुझे क्यों पकड़ रहे हैं, कि अब तुम यहाँ से निकल जाओ नहीं, हम तुम्हें कमरे में बंद करके मारेंगे। तो मैं सुनील तोमर को लेके और मैं वापस आ गया, और मुझे अपनी जान से भी खतरा है कि कोई मार ना दे मुझे, क्योंकि कल उन्होंने धमकी भी दी है कि हम तुझे मरवा देंगे, है ना, और अगर मेरे साथ कोई वारदात या घटना या कुछ भी होती है तो उनके जिम्मेदार बीएल यादव जी होंगे, सिविल सर्जन। इसकी शिकायत की है आपने? मैंने कोतवाली थाने को आवेदन दिया। अच्छा, वो भी समाज को लेके, समाज भी उनके पक्ष में आई है, एसपी साहब को ज्ञापन दिया है, तो कैसे देखते हैं आप इसको समाज के तौर पर? समाज का तो कोई मतलब ही नहीं है, और गलत है वो अधिकारी। अधिकारी को इतनी अच्छी पोस्ट पर होकर, मैं पत्रकार हूँ, अगर मुझे ही गाली गलौज कर तो वो आम जन से क्या बात करते हूँ। दूसरी बात, मैं भी करनी सेना का जिला, मैं तो उसकी कोई बात ही, मैंने ये समाज में ला रहे हैं तो ये तरीका ठीक है। क्या लगता है पत्रकारों के साथ इस तरह से व्यवहार करना उचित है? नहीं नहीं गलत है उनको, एक मैं 15 साल में कभी कोई सिंगल विवाद नहीं है मेरा, आज पहली बार ऐसा हुआ, कल विवाद हुआ।